सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन टेक पर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के सभी सवालों को जवाब लेकर के आए हैं, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से जो नई वेबसाइट जारी की गई है incometax.gov.in, उस पर तो पैन कार्ड अप्लाई हम कर ले रहे हैं, लेकिन डाउनलोडिंग प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे हमारा पैन कार्ड ई पैन कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओटीपी के लिए प्रोसेस को जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ओटीपी ही नहीं सेंड हो रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है और आप अब कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने ई पैन कार्ड को, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो में बना रहे बिना स्किप के पूरा वीडियो देखें। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन इनेबल करें, ताकि हर एक योजना से जुड़ी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको अपने पिन कार्ड को डाउनलोड करना होगा और यहाँ पर डाउनलोडिंग प्रोसेस हो क्यों नहीं रहा है। दोस्तों जब हम यहाँ पर आते हैं अपने पिन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए हम इनकम टैक्स .gov.in के पोर्टल पर, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हमने तो अप्लाई तो कर दिया, पर यहाँ पे अगर हम चेक स्टेटस एंड डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आधार नंबर डाल करके कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा प्रोसेस जो है यहीं पर अटका रहता है। दोस्तों तो यहाँ पर जो है मैंने आधार नंबर नहीं डाला है, अभी आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रोसेस अटका रहता है, कोई भी प्रोसेस होता नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, आधार नंबर पहले डालता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आधार नंबर एंटर कर दिया, देखिए अब कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब ऐसा प्रोसेस नहीं आया, कोई भी प्रोसेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें क्यों हो रही है दोस्तों, और यहाँ पे आपका पिन कार्ड कब तक डाउनलोड होगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट के कॉन्टेक्ट में जा करके दोस्तों इनसे कॉन्टेक्ट किया और इनसे मेरे लाइव बात हुई, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। सो दोस्तों आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको नंबर यहां पे बताने वाला हूं किस तरीके से किस नंबर पे आपको कॉल करके इंक्वायरी लेनी है। वैसे दोस्तों इंक्वायरी में स्पष्ट एजेंट के द्वारा हमें यहाँ पर संतुष्ट कर दिया गया, क्योंकि उसने बताया कि यहाँ पर वेबसाइट में इश्यू चल रहा है, क्योंकि न्यू वेबसाइट है, इसमें अभी काफ़ी अपग्रेडेशन बाकी है, जिसकी वजह से साइट प्रॉपरली तरीके से काम नहीं कर रही है। हमारा सिर्फ एक ही यहाँ पे ये दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह की फाइलें यहाँ पे अटैचमेंट करते हैं, उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो सारी प्रॉब्लम जो है अभी इस साइट में हो रही हैं, जिसकी वजह से साइट को प्रॉपरली तरीके से वर्क करे उस पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कुछ हमारे बीच बात हुई, उसे आप सुनिए, उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को नंबर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में इसे कॉल रिकॉर्डिंग को हम सुनते हैं। पैन की जानकारी के लिए कृपया एक दबाएं, आयकर रिटर्न के ऑनलाइन जानकारी और रिफंड के लिए दो दबाएं, कर भुगतान के लिए। नमस्कार, आयकर संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है, मैं शाकिब हूं, किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? सर कल हमने अपने वाइफ का पैन कार्ड अप्लाई किया था इसे फिलिंग 2.0 के माध्यम से, बट इंस्टेंट पेन आपने अप्लाई किया था एक लिंक से? हाँ, तो डाउनलोड नहीं हो रहा अभी। जी वो साइट में इशू चल रहा है अभी, तो नहीं हो पाएगा आपका वो डाउनलोड, आपको वेट करना होगा। जी तो मैं आपको एक मेल आईडी देता हूँ इंस्टेंट पेन की, आप उस पर मेल कर दीजिएगा, वहाँ से भी आपको पीडीएफ फाइल मिल सकती है। अच्छा, तो उस पर तुरंत मिल जाएगी? तुरंत नहीं मिलेगी, उसमें 24 घंटे का रिस्पॉन्स का टाइम पीरियड होता है। तो उसमें और साइट में इशू चल रहा है, पेन नंबर ही नहीं जनरेट हो रहे, काफी कंप्लेंट्स आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। हाँ सर, वही पेन नंबर भी नहीं जनरेट, वो आगे ओटीपी के लिए प्रोसेस ही नहीं होता है डाउनलोड करने का। इसमें काफी ये न्यू वेबसाइट है ना, तो अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही वो। जी सर, आप तो वेट कर लीजिए, या फिर तो मैं आपको जो मेल आईडी देता हूं उस पे आप डिटेल एक बार अपने मेल कर देख लीजिए, आपको वहीं से पेन नंबर मिल सकता है पीडीएफ फाइल। तो इस पर सिर्फ हमें आधार ही भेजना है या फिर कुछ और? आधार कार्ड और आपका ओटीपी भी नहीं आया, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी नहीं मिला होगा अभी आपको? फिर नहीं, रजिस्ट्रेशन तो पूरा प्रोसेस हो गया है बट डाउनलोडिंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लिख दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए? नहीं सर, बस थैंक यू, यही पूछना था। जी वेलकम, आपका संपर्क करने कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। तो दोस्तों आप लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग तो सुना, देखिए इसमें स्पष्ट रूप से इनके माध्यम से बता दिया गया है कि जो है यहाँ पर एक ईमेल आईडी बताई गई है, उस ईमेल आईडी का भी लिंक मैं जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल दूंगा। उस ईमेल आईडी पर आप को जो है अपने
जो एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को और आधार नंबर को सेंड कर देना है, और उन्हें बोल देना है, बता देना है उस ईमेल में लिख करके कि सर हमारा पैन कार्ड डाउनलोड वगैरह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं पे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मेल करेंगे तो 24 घंटों के अंदर आपका पीडीएफ फाइल आपके उसी मेल पर रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी कि भेज दिया जाएगा। तो उस ईमेल का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो है आपको कॉन्टैक्ट नंबर कैसे निकालना है। देखिए इस पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट में मिल जाएगा हेल्प डेस्क नंबर, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो हेल्प डेस्क वाले नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड सारी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। देखिए कॉन्टैक्ट अस में हम जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद यहाँ पे आयकर संपर्क केंद्र, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसी ही नंबर पर आपको कॉल करना है, फर्स्ट वाले नंबर पर कॉल करना है। और ये जो है मंडे टू सैटरडे है और 9 से 22 आवर्स 8 बजे से, सुबह 8 बजे से स्टार्ट है। तो दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं, इस पर जानकारी ले सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल करके दोस्तों हमने यहाँ पे पता किया तो उनके माध्यम से यहाँ पे बताया गया कि जो दोस्तों प्रोसेस है अभी 3-4 दिन उसमें लग सकते हैं, इसलिए आप उस पर मेल कर दीजिए। उसके बाद जो है आपको 24 घंटे के अंदर आपका पैन कार्ड जो है आपके पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दिया जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करके लाइक आइकन प्रेस करें ताकि हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहें।